नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है और आप सवाल पूछिए, जानिए कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634, 0222300 1635। और सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में आज करेक्शन आया है और करीब करीब 200 रुपए की नरमी है अभी एमसीएक्स पर गोल्ड में जो ट्रेड हो रहा है। और चांदी के दाम भी आज कम हुए हैं, जो तेजी आई थी उस तेजी पर बिकवाली आई है। क्या ये करेक्शन अभी और बढ़ने वाला है या फिर मार्केट यहाँ पर संभल जाएगा, पहले इस पर बात कर लेते हैं। और हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़े हैं एंजल कमोडिटी के, और साथ ही अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, क्या लगता है आपको, ये करेक्शन अभी और बढ़ सकता है? गुड इवनिंग मित्र। देखिए, फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट आई थिंक जो हमने पिछले 15 दिन से जो फंडामेंटल देखे वो ऑलमोस्ट सब डिस्काउंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल में भी हमने देखा $1530 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में मंदी नहीं बोल सकते, एक करेक्शन बोल सकते हैं, बिकॉज जो रैली हमने $1260 से बढ़ते हुए देखी है वो वन साइडेड रैली थी। तो आई थिंक एक पुल बैक जरूर बनता है जो $1470 इंटरनेशनल के हिसाब से। डोमेस्टिक मार्केट में आज रुपए में भी हमने मजबूती लौटते हुए देखी और आई थिंक 38,000 के ऊपर मल्टीपल ऑफ टाइम हमने प्राइजेस को सस्टेन होते हुए नहीं देखे। तो आई थिंक एक थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर बनता है काउंटर पे, जो 37,200-300 तक का भी लेवल गोल्ड में दिखा देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, इंटरनेशनल में $1750 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है अगर गोल्ड में करेक्शन आता है, क्योंकि जो फैक्टर्स हमने देखे थे जो प्राइजेस को बूस्ट किए थे, चाहे हम ट्रेड टेंशन की बात करें, जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें, इक्विटी मार्केट में करेक्शन, ये सब डिस्काउंट हो चुका है। तो चांदी में भी मुझे लगता है कि एक थोड़ा पुलबैक देखने मिल सकता है। अच्छा, आपका क्या व्यू है अनुज जी बुलियन मार्केट को लेकर? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। देखिए, अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एक करेक्शन है जिसको हम एक रिट्रेसमेंट बोलते हैं वो यहाँ पर अभी आनी बाकी है। और अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली जो गोल्ड का प्राइस है करीबन $1530 का एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और एमसीएक्स में करीबन 38,400 को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर देख रहा है। हमने 2 दिन पहले भी काफ़ी करेक्शन आते हुए देखा था और आज भी करेक्शन आते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो जो डेटा है यूएस का, जो हमने रिटेल सेल्स का डेटा देखा था, थोड़ा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है, इसकी वजह से हमने गोल्ड में करेक्शन आते हुए देखा है। हमें लगता है कि फिलहाल 1-2 दिन अभी कुछ एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में रहेगा, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि एक बार 1500 से लेकर $1490 तक लेवल में गोल्ड मींस करंट रेट से $15 से $20 की गिरावट गोल्ड में आ सकती है। और एमसीएक्स की अगर बात करें तो करीबन 37,400 तक का लेवल दिखा सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग इसको महज हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ देखने को मिल सकती है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। क्रूड के क्या फंडामेंटल हैं अजय केडिया जी? क्रूड में तो एक अगर हम देखें तो एक रेंज का ट्रेड आप कह सकते हैं, या थोड़ी बहुत तेज़ी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में है, लेकिन रफ्तार बहुत तेज़ नहीं है। एमसीएक्स पर तो इनफैक्ट लाल निशान में है क्रूड, क्या किया जाए? मुझे लगता है कि रफ्तार आज जरूर सुस्त है, बट पिछले हफ्तों में हमने देखा है जो वॉलिटिलिटी बनी हुई है एक ब्रॉडर रेंज में बनी हुई है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा 3850 के नीचे जा नहीं पा रहा है, और इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि अगर ब्रांड की बात करें 60 से लेकर 56 के बीच में, और WTI की बात करें तो 52 से लेकर 57 के बीच में। देखिए, जो हमने गेन देखा था जहाँ पर हमने देखा US और चाइना के बीच में जो टेंशन है टैरिफ को लेकर, वो थोड़ा सा डिफर हुआ था, इसकी वजह से जंप हुआ, बट डेट डजंट मीन्स के आज की आज ही कंजम्पशन बढ़ चुका है। अभी भी हम देखें तो ग्लोबल स्लोडाउन के चक्कर में डिमांड में काफ़ी ड्रॉप है। इवन हमने स्टॉक पे जो पाइलअप बढ़ते हुए देखा वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को नेगेटिव दिखाएगा अभी भी। तो टाइमिंग मुझे लगता है जब तक 57.50 के ऊपर WTI नहीं निकलता है, पूरे चांसेस है वापस हम $51 से $52 देख सकते हैं WTI को, और ब्रांड भी $60 के नीचे मुझे लगता है 55 से 56 की रेंज दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 4,000 के ऊपर बिल्कुल प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आई थिंक करंट मार्केट से बेचा जाए तो यहाँ से 100 से 125 रुपए तक की भी गिरावट हम क्रूड में देख पाएंगे, बट वॉलिटिलिटी पार्ट रह सकता है। ओके, ठीक है, तो ये आप क्रूड के ऊपर आपके लिए राय है कि आज अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो 3820 के टारगेट के लिए आप बेचिए, 3960 पर और 4010 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। हाँ, पहला सवाल है उमेश का, सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए उमेश। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, ग्वार सीड में अभी तेजी आना बाकी है क्या, या फिर अभी
शॉर्ट करना चाहिए? और कॉटन सीड में सर क्या रहेगा अभी सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट? ग्वार और कॉटन सीड के अनुज जी, क्या आज तो ग्वार में ठीक ठाक तेजी हमने देखी है, क्या करें ग्वार में जब मंडे को मार्केट ओपन होगा और कॉटन सीड केक में? देखिए, ग्वार में 4400 के ऊपर भाव क्लोज हुए हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, और इवन अगर हम वॉल्यूम भी देखें तो अच्छे वॉल्यूम यहाँ देखने को मिले हैं। हमें लगता है कि रैली आगे एक्सटेंड हो सकती है, तो 4500 हमें लगता है कि जल्दी ही देखने को मिलेगा, और 4500 के ऊपर अगर लेवल क्लोज होते हैं तो करीबन 4650 तक का रेंज जा सकता है। एक पॉजिटिव साइड में हमें लगता है कि ग्वार सीड का ट्रेंड यहाँ पे रहेगा, तो अगर जिनकी बाइंग है वो होल्ड करें, और अगर किसी को बाय करना है तो वो मंडे को बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो करंट रेट से हमें लगता है वेरी शॉर्ट टर्म में 100 रुपये की तेजी ग्वार में देखने को मिल सकती है। और अगर कॉटन सीड की बात करें तो हमें लगता है कि कॉटन सीड अब एक ओवरबॉट जोन में है, यहाँ पर कुछ करेक्शन हम देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर अगर किसी बाय किया है तो हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे करीबन 3050 तक लेवल देखने को मिल सकता है, तो एक सेलिंग प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगला आप सवाल है लक्षित का, रामगढ़ से है हमारे साथ, पूछिए लक्षित। सर, ये मस्टर्ड सीड 4500 कब तक हो सकती है? मस्टर्ड सीड 4500 रुपए तक कब तक हो सकती है? ओके, 4500 तो वही क्या क्या है, 4436 गवा रहे मस्टर्ड। अच्छा, ये मस्टर्ड के बारे में उन्होंने पूछा है, एक बार जरा मस्टर्ड का प्राइस दिखाइए। 3980 हाँ, 3960 4500 कब तक पहुंच जाएगा? ये 4500 थोड़ा सा एकदम ज़्यादा ही बड़ा लेवल दिख रहा है एज ऑफ नाउ, तो मुझे ऐसे कोई बड़े फंडामेंटल नहीं दिख रहे जो 4500 दिखा। हाँ, 4250-4280 तक के लेवल जरूर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जिस ढंग से पिछले साल भी हमने देखा कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप था, फार्मर्स का रुझान जीरे की तरफ बढ़े थे, तो वो भी एक सपोर्ट है, लेकिन ट्रेड काफ़ी सुस्त है। हमने देखा मल्टीपल ऑफ टाइम 4000 के ऊपर जा नहीं रहा है, बट आई थिंक 3900-3920 इज़ अ गुड लेवल टू बाय एंड होल्ड। इट 2-3 महीने की अवधि लग सकती है, बट 4250 आई थिंक शुड बी दी अपर साइड एज ऑफ नाउ। 45 थोड़ा सा अर्ली रहेगा बोलना, बट 4250-4280 तक का लेवल हम मस्टर्ड में देख पाएंगे। ठीक है, ये रहा है। आप कि मस्टर्ड में आप कह रहे हैं कि 4500 का लेवल अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी मार्केट में उतनी हलचल है नहीं, उतना एक्शन है नहीं। कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं, नेचुरल गैस, यहां पर आज ठीक ठाक तेजी का माहौल बना है अनुज जी, क्या अभी और तेजी बाकी है नेचुरल गैस में? जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनको भी क्या करना चाहिए इस रेट पर? देखिए, नेचुरल गैस में हमने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट आते हुए देखा है, हालांकि कल छुट्टी थी तो उसके बाद हमने गैप से ओपनिंग देखी है, बट जिस तरीके का इंटरनेशनल मार्केट में हमने एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है, हमें लगता है कि नेचुरल गैस में एक अपसाइड ट्रेंड बन सकता है। तो नेचुरल से लगता है कि बाय वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट 100 का रहेगा, 160 के ऊपर अगर भाव ब्रेक होते हैं तो 164 नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट रहेगा जो कि देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस हमें लगता है कि बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, अगला सवाल मनोज का है, गुना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए मनोज। सर, मेरा अजय केड़िया जी से चने पर सवाल है। सर, 2-3 महीने में चना का क्या भाव दिख सकता है? 2-3 महीने में? आप 2-3 घंटे में बताना चाह रहे हैं क्या? स्पॉट में तो चल ही रहा होगा, बता दीजिए। हाँ, देखिए, अगर चने की बात करें तो हमने एक दायरा बनते हुए देखा है जो 4180 से लेकर 4500 के बीच में है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, बट गवर्नमेंट इंटरवेंशन टाइम टू टाइम इस पे प्राइस चेक करता हुआ दिखाई देगा। अगर 2-3 महीने की बात करें तो एज ऑफ नाउ 4500-4520 काफ़ी बड़ा ट्रिगर रहेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है नवंबर तक हम प्राइजेस को ये लेवल तोड़ते हुए 4650-4700 तक का लेवल दिखा देंगे। 4100-4150 के नीचे भाव जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा इस बार। विनय है हमारे साथ बुलंदशहर से, पूछिए विनय जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए जी। मेरा सवाल ये है कि मैंने क्रूड बेचा हुआ है सितंबर महीने का 3961 पे। किस भाव पर सर? मैंने 3961 पे। 3961 पर आपने बेचा है जी? अभी आज ही बेचा है, तो मुझे कितना कब तक होल्ड करना है सर? ये अच्छे लेवल पे बिकवा लिया है इनके, क्या करें, होल्ड करें अभी? बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो जंप हमने देखा था टैरिफ डिफर की वजह से देखा था, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है, डिमांड इस वक्त काफ़ी कम है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। आई थिंक इनको बने रहना चाहिए 3980 या 4000 का एक स्टॉप लॉस लगा के नीचे में। आई थिंक 3820 का डायरेक्टली मेरे को लगता है कि टारगेट देखने मिल जाना चाहिए, मोस्टली आज ही मिल जाए, ऑलरेडी इवनिंग सेशन में मुझे लगता है बढ़ जाएगी, अदरवाइज मंडे तक इनको 3820 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। अनूप कुमार हैं हमारे साथ वाराणसी से, पूछिए अनूप कुमार जी।
नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैं कॉपर ले रखा हूँ 49.35 रुपए पर, बाई कर रखा हूँ, तो इसे क्या होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए इस रेट पर? क्या करें अनुज जी? मैं ये कह रहा था सर कि मैं कॉपर एक लॉट लिया हूँ। नहीं, नहीं, आपका आपका सवाल मैं समझ गया अनुज जी, क्या करें, क्या सुझाव इनके लिए? देखिए, हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि 49.50 तक का लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है, तो अभी भी ट्रेंड जो है थोड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, तो हमें लगता है कि कॉपर को भी इनको होल्ड करना चाहिए। 49.50 के आसपास मिले तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। 49.50 ठीक है। ये राय कॉपर पर है 445.50, आप कह रहे हैं अभी का ताज़ा भाव है कॉपर का 452 के टारगेट के लिए आपने बाइंग किराए दी है, 444 के भाव पर 441 के स्तर पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला सवाल अशद का है, पूछिए अशद। सर मेंथा तेल है हमारे पास 4 ड्रम, क्या करना है, कब तक तेजी आएगी इसमें? अच्छा, मेंथा का स्टॉक है आपके पास, आप जानना चाहते हैं कब तक तेजी आएगी। 8.70 रुपए इतनी तेजी के साथ आज मेंथा का वायदा बंद हुआ है, क्या करें? मेंथा में तेजी आ गई है 15-20 दिन से अगर बात करें तो, जो प्राइजेस हम 1220-30 का देख रहे थे वहाँ से आज 1320 का भाव है। पहले भी मैंने कहा था कि 1320 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आज का जो क्लोजिंग है वो 1320 के ऊपर काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है और चार्ट पे भी ब्रेकआउट दिखा रहा है। आई थिंक ओवरऑल अगर अगले 1-1.5 महीने की बात करें तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ, जो करीबन 1480 से 1500 तक का लेवल मेंथा में दिखा सकता है। तो टाइमिंग अगर इनके पास पोजिशन नहीं है तो बिल्कुल बना सकते हैं, 1270 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिए, जो ऊपर में मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट तो 1400-1420 का है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 1500 तक का भी लेवल हम अक्टूबर मिड तक देख पाएंगे। ओके, अगला सवाल है विजय कुमार का, लखनऊ से है हमारे साथ, पूछिए विजय कुमार जी। सर नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। सर ये सिल्वर 45,000 कब तक हो जाएगा, हो जाएगा 10 दिन में क्या, इस महीने तक हो जाएगा क्या? क्या कहेंगे अनुज जी आप, 45,000 का लेवल चांदी में कब तक दिखेगा? देखिए, नो डाउट कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, मगर एक जो हम एक प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, एक रिट्रेसमेंट जिसमें बोलते हैं, वो यहाँ पर अभी पेंडिंग है, तो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पर देखने को मिले तो। बट मुझे लगता है कि 45,000 का लेवल 10 दिन में तो नहीं, बट हाँ इस महीने का जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो मीन्स 15-20 दिन के अंदर इनको 45,000 का रिहा देखने को मिल सकता है। थोड़ी करेक्शन रहेगी बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। 15 दिन के अंदर हमें लगता है कि 45,000 तक के आसपास रेट देखने को मिल सकते हैं। 45,000 तक, ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि 15 दिन में 45,000 का लेवल चांदी में दिख जाएगा, तो फिर क्या 15 दिन के लिए अजय जी अभी इस लेवल पर खरीद लें? देखिए, आज पर्टिकुलरली मैं फेवर नहीं रहूँ बाइंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 44,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नो डाउट लॉन्ग टर्म काफ़ी बुलिश है, जो 46,000 से 48,000 का भी लेवल दिखा देगा अगले 2 महीने के पीरियड में, बट टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा सा वेट करके चलिए, नीचे में 42,800-42,500 तक का एक बेस बन जाएगा, फेयर प्राइस बन जाएगा, वहाँ पे आप घर के हिसाब से फिजिकल लेके चलिए, फ्यूचर्स भी लीजिए और घर के हिसाब से लेके चलिए। मार्केट मुझे लगता है इस बार कमोडिटी काउंटर जो रैली अप स्टार्ट हुआ है तो ये जस्ट एक स्टार्ट है, तो आई थिंक 42,500 एक फेयर प्राइस रहेगा जो फिजिकली घर के लिए भी लेना चाहिए और फ्यूचर के लिए भी लेना चाहिए। विपिन है हमारे साथ MP से, पूछिए विपिन। हाँ जी, ये मेरे पास सोयाबीन और कॉटन फिजिकल में स्टॉक में क्या फ्यूचर कैसा? सोयाबीन और कॉटन फिजिकल का स्टॉक है आपके पास, अभी रखना चाहिए अनुज जी फिजिकल में स्टॉक सोयाबीन का और कॉटन का? देखिए, सोयाबीन के अंदर हमने एक पिछले दिनों में एक मूवमेंट आते हुए देखा है, हमें लगता है कि ये एक्सटेंड हो सकता है 3700 के आसपास तक, तो वहाँ पर आएगा तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आगे इसके रेवल्स बढ़ेंगी तो भाव में प्रेशर रहेगा, बट 3700 का मुझे लगता है कि लेवल देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर ही एग्जिट कर सकते हैं। और कॉटन के अंदर भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट करीबन 20,800 के आसपास के लेवल्स चल रहे हैं, काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, इसके भी आगे रेवल स्टार्ट होंगे, तो अगर 21,000 के आसपास तक का जो हम टारगेट कर रहे हैं वो अगर मिलता है तो वहाँ पर वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है अमरदीप का, दिल्ली से है हमारे साथ, पूछिए अमरदीप। हाँ सर, मेरे पास में सर गोल्ड है, 200 ग्राम गोल्ड है सर, मैं फिजिकल में, तो सर मैं इसको बेचना था, तो सर अभी बेचना है सर या? आपने लिया था किस भाव पर? सर मैंने 35,500 के भाव से लिया था, तो अभी बेच दें या रखें? देखिए, डिपेंड इनका आउटलुक क्या है, अगर ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे तो आई शुड से कि इनको अवॉइड करना चाहिए, पैसा कमाना
पैसा कमाना बिल्कुल, लेकिन टाइम फ्रेम जरूरी होता है कि अगर ये थोड़ा सा देखो 1,000 रुपया 2,000 रुपया तेजी मंदी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था प्राइजेस 1,000 रुपया हाई से नीचे मारा फिर वापस रिकवर कर गया। तो अगर इनका व्यू अगर 6-8 महीने का है तो मेरे सलाह में इनको होल्ड करके चलना चाहिए। अगर ये इमीडिएटली एनकेश करना चाहते हैं जो गेंस आए हैं तो आई थिंक इनको बुक करना चाहिए। फिर से ये 36,500, 36,800 के बैंड में मिलता है, फंडामेंटल्स को वापस रीचेक करके वहाँ पे री एंटर करना चाहिए। ओके, चलिए अगला आप सवाल है दिनेश का, जोधपुर से हैं हमारे साथ, पूछिए दिनेश। सर जी मैंने निकल बाइंग किया हुआ है मेरे 1,140 रुपए का 40 लोट 1,140 पे ओके। तो 1,136 का तो भाव है अभी, क्या करें? मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा था पूरे बेस मेटल काउंटर में मुझे दो ही कमोडिटी है जो सबसे अच्छी लगती है, एक है कॉपर और दूसरा है निकल। निकल पे इनफैक्ट अपन ने एक स्टोरी भी की थी, अभी भी मैं कायम रहूँगा, मेरा जो टारगेट रहेगा 1,280 से लेकर 1,350 का रहेगा निकल में। आज भी अगर हम देखें पूरे बेस मेटल पैक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रहा है, बट अभी एज ऑफ नाउ इनको ध्यान रखना है 1,160 का लेवल। अगर 1,160 का लेवल ब्रिज कर जाता तो आई थिंक 1,280-1,300 जल्द देखने मिल जाएगा, इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक मेंटेन कीजिए जो 1,070 का रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, शंकर लाल साहब हैं हमारे साथ गंगा राजस्थान से, पूछिए शंकर लाल साहब। हाँ जी, मेरा सवाल केडिया जी से है जी। मैं ये पूछ रहा हूँ सिल्वर बाइंग पोजीशन कहाँ से बनाएं, कहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाएं? मतलब मुझे लगता है चांदी की रैली अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, जस्ट जो आज हम मंदी की बात कर रहे हैं जस्ट एक रिट्रेसमेंट है, इसको मंदी पकड़ के मत चलिए। मुझे लगता है कि 42 का अगर लेवल मिल जाता तो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट इंटरनेशनल के हिसाब से देखा जाए तो मैं $20 तक का टारगेट देख रहा हूँ कि मार्च 2020 तक दिखा दे। $20 मतलब हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो करीबन 49,000 से 50,000 तक का भाव हो जाता है, और साथ में रुपए में भी जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं चांदी को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 42,000-42,500 के बीच में मिले, फंडामेंटल एक बार रीचेक कर लीजिए वो टाइम पे, और आई थिंक 48,000 से 50,000 तक का टारगेट हम मार्च 2020 तक देख पाएंगे। मार्च 2020 तक क्या टारगेट है आपका? 50,000 वाह। रेशियो में अगर देखें तो 1991 नवंबर में ये 98 के ऊपर गोल्ड सिल्वर रेशियो ने टिक किया था, इस बार भी 93-50 के करीब जाने के बाद रेशियो रिवर्स कर रहा है, और जनरली लॉन्ग टर्म में कभी भी गोल्ड सिल्वर रेशियो रिवर्स करता है इट विल टेक टाइम, बट अच्छा खासा रिवर्स आता है। एवरेज भी पकड़े तो करीबन 64-65 के आसपास है, तो आई थिंक सिल्वर शुड बी ऑन फायर अगर अगले 2-3 साल की बात करें तो। किशन है हमारे साथ, पूछिए किशन। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल घुमार के है, दोनों अक्षरों से राय लेना है, घुमार किस लेवल पर खरीदना चाहिए और एक महीने में 5,400 का लेवल देखने को मिल सकता है क्या? 5,400 बताइए अनुज जी। देखिए 5,400 का लेवल आना तो थोड़ा दूर है, मुझे लगता नहीं कि वो लेवल देखने को मिलेगा। इनिशियली अगर ये टारगेट करें तो मुझे लगता है कि करीबन 4,600 को टारगेट कर सकते हैं, जो कि लग भी रहा है कि देखने को मिल सकता है। 4,600 के भाव के ऊपर क्लोज करें तो फिर ये आगे 4,800 के लेवल को टारगेट कर सकते हैं, बट 5,400 का लेवल मुझे लगता है कि काफ़ी दूर रहेगा, जो कि शायद अभी देखने को ना मिले। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 5,400 का लेवल शायद अभी देखने को ना मिले, क्योंकि अभी कोई बहुत बड़ी खबर शायद मार्केट में नहीं है, लेकिन फिर भी तेज़ी तो है ही ग्वार में। आज भी मार्केट करीब 2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। अगला सवाल कैलाश का है, सदलपुर से हमारे साथ, पूछिए कैलाश। सर सिल्वर में 44,500 का भाव कब तक मिल जाएगा? 44,500 क्या लगता है अनुज जी आपको, 44,500 सिल्वर में कब तक? देखिए 44,500 का जो लेवल है वो एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकता है, मीन्स नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकता है, बट उससे पहले कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है एक बार। तो अगर भाव नीचे करीबन 4,300-4,400 के आसपास मिलता है तो बाय कर सकते हैं, वहाँ से इनको 1,000 से 1,500 की रैली देखने को मिल सकती है। 1,000 से 1,500 की रैली, ठीक है। घनश्याम है हमारे साथ जोधपुर से, पूछिए घनश्याम जी। हेलो जी, जी पूछिए। हाँ मैं जोधपुर से घनश्याम बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं बोल रहा था आपको कि जी सर मैं ये पूछ रहा था कि मेरे गोल्ड बाइंग किया हुआ है 34,300 रुपये में। हेलो, किस भाव पर बाइंग है आपकी? सर मैंने गोल्ड बाइंग किया हुआ है 34,300 रुपये में। 34,300 ओके।
38,300 अच्छा है जी सर। हाँ ठीक है, 38,300 पर आपकी बाइंग है, भाव आ चुका है 38,000 के नीचे। तो अजय जी रुकें या क्या करें, अभी और करेक्शन बढ़ेगा तो निकल जाएं एक बार, क्या करें? देखिए मुझे लगता है कि 38 के नीचे मार्केट थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है, टाइमिंग उनको निकलना चाहिए। अदरवाइज ये ऑप्शन का जरिया ले सकते हैं, जिनका अगर ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है तो 37,500 का पुट साथ में ले लीजिए 380 रुपये में, जो हमें लगता है 650-700 तक का लेवल दिखा देगा। इन दिस वे वो हेज कर सकते हैं, बट टाइमिंग मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक गिरावट है जो नीचे में 37,200-37,300 तक का लेवल दिखा देंगे, लॉन्ग टर्म अभी भी स्ट्रांग है। तो टाइमिंग एक बार निकल जाइए, फिर से 37,200 तक के ड्रॉप पे आपको लेके चलना है। इंद्र हैं हमारे साथ हरियाणा से, पूछिए इंद्र जी। जी जी पूछिए, सुन रहा हूँ आपको, आपको आवाज आ रही है सर? मैं हमारे सरसों की फसल निकाल के हमने बेची है, तो मेरे 2-3 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। सवाल ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन स्टील के ऊपर कुछ पूछना चाह रहा है, बताइए अजय जी। देखिए जिस ढंग से हमने चाइना मार्केट में आयरन ओर के प्राइजेस में ड्रॉप देखा, उसी का रिफ्लेक्शन हम स्टील में भी देख रहे हैं। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में डिमांड कंसर्न, चाहे ग्लोबल मार्केट की बात करें चाहे डोमेस्टिक मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा है। रिसेंटली प्राइजेस में गेन भी देखा था, बट 28,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। आई थिंक मार्केट में एक गिरावट का रुख रहेगा, जो 26,800 से 9,000 तक का लेवल मुझे लगता है कि एक बार स्टील में देख पाएंगे। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मतलब मुझे लगता है गोल्ड जिस ढंग से 38 के नीचे ट्रेड कर रहा है, गोल्ड में करंट मार्केट से बेचा जा सकता है 37,700 के टारगेट के लिए। आपकी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी, नेचुरल गैस बाय करके चले, हमें लगता है 160 रुपये तक टारगेट देखने को मिल सकता है। आपकी आखिरी कॉल बेस मेटल पैक में, मुझे लगता है कि निकल काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, 1120-1130 की रेंज में बाय करके चलिए, 1150 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया अजय केडिया जी आपका और अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।